और यहाँ पर आपको अहम खबर दें, आलमी वबा कोरोना वायरस की चौथी लहर कराची में तेजी से फैलने लगी। शहर कायद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर वजीर आला सिंध की जानिब से शहर में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने की हिदायत की गई है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, कोई गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले। वजीर आला सिंध का कहना था कि मुझे पता चला है कि ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, उनको भी फौरी बंद करें। जुमे के दिन कोरोना की सूरत हाल का दोबारा जायजा लूंगा, अगर सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो मजीद इकदाम करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वुजरा नासिर हुसैन शाह, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और उवैस शाह पर मुश्तमिल एक कमेटी भी कायम कर दी। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने कहा कि 24 जुलाई को कराची में केसेस की शरह 20% थी, 25 जुलाई को 28% हो गयी, जबकि 26 जुलाई को ये शरह 32% तक जा पहुँची, जो की सख्त परेशानी की बात है क्योंकि कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद में भी मस्बत केसेस की शरह 10% हो गई है। कराची शर्की में शरह 33% है, सेंट्रल में 20% और कुरंगी में 21% हो चुकी है। इसके अलावा गरबी में 19% और मलीर में मस्बत केसेस की शरह 17% हो चुकी है।